सोचने का तरीका, ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने सोचने का तरीका बदलते हैं, तब हमारी ज़िंदगी भी बदल जाती है। ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ 1% ही होता है, बाकी 99% तो हम जो हुआ है उसके बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि हमारा रिएक्शन ही होता है। एक लड़का था जो देख नहीं सकता था। ये लड़का भीख मांगकर अपना जीवन गुजारता था। एक दिन ये अंधा लड़का हर रोज की तरह एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे बैठकर भीख मांग रहा था। उसी समय वहाँ से एक अनमोल नाम का लड़का गुजरता है और इस अंधे लड़के को भीख मांगता हुआ देखता है। अनमोल उसी बिल्डिंग में एक ऑफिस में काम करता था। जब अनमोल ने देखा कि ये लड़का भीख मांग रहा है, तो वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंचता है। अनमोल वहां जाकर देखता है कि इस लड़के के पास एक डब्बा है और उस डब्बे में थोड़े सिक्के भी हैं। कुछ लोग आते हैं, इस लड़के को पैसे देते हैं और कुछ लोग उसे बस देखकर ही चले जाते हैं। अनमोल ने ये भी देखा कि इस लड़के के पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि मैं एक अंधा लड़का हूँ, मेरी मदद कीजिए। ये सब देखकर अनमोल अब ये सोचने लगा कि इस दुनिया में भी बड़े कमाल के लोग हैं, जिसे मदद की ज़रूरत है उसे कोई नहीं करता है। उस बोर्ड पर जो लिखा था उसे वो मिटा देता है और उसकी जगह पर और कुछ लिख देता है। अब अनमोल कुछ पैसे उस डिब्बे में रखता है और ऑफिस की ओर बढ़ता है। फिर अनमोल ऑफिस पहुंचता है और हर रोज की तरह अपना काम करता है। शाम को जब वो ऑफिस से अपने घर जाने के लिए निकलता है, तभी उसे वो अंधा लड़का याद आता है। वो ये सोचता है कि मैं एक बार घर जाने से पहले उस लड़के को देख लूँ, मेरे लिखने की वजह से उसके जीवन में कोई बदलाव आया है कि नहीं। वो अब उस अंधे लड़के के पास जाता है। उसके पहुँचते ही वो लड़का खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि भैया, मैंने आपको आपकी आने की आहट से ही पहचान लिया। आप वही हैं जो सुबह आए थे और मेरे इस बोर्ड पर कुछ लिख कर गए थे। मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्या लिखा था मेरे बोर्ड पर कि जो भी यहाँ से गुजरता है वो मुझे कुछ ना कुछ देकर ही जाता है। अनमोल ने कहा कि मैंने जो तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ था उसे मिटा दिया। तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ था कि मैं एक अंधा लड़का हूँ, मेरी मदद कीजिए। मैंने उसको मिटा दिया और ये लिख दिया कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं देख नहीं सकता हूँ। हम ये बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि पहले जो लिखा था और बाद में अनमोल ने जो लिखा उसमें काफ़ी अंतर था। अनमोल ने जो कुछ भी लिखा था वो एक नई सोच थी और ये लाइन पढ़ने वालों में भी पॉजिटिविटी फैला रही थी, इसीलिए लोग इस लड़के को कुछ ना कुछ जरूर देकर ही जाते थे। अगर हम हमारे सोचने का तरीका बदल देते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी बदल जाती है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।